गुड मॉर्निंग टू ऑल पिले। आज आम टेक्सोनोमी रो तीन नंबर पार्ट स्टार्ट करमा जहाँ ना होचे नोमेनक्लेचर। मीन्स आम टेक्सोनोमी रो फर्स्ट पार्ट टा कंप्लीट करचु, मीन्स आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। तो आम क्लासिफिकेशन टा भी कंप्लीट करलाम, तो आज टेक्सोनोमी रो लास्ट पार्ट टा स्टडी करमा, दैट मीन्स नोमेनक्लेचर। आ नोमेनक्लेचर रो मीनिंग काना जदि इंग्लीश रे कहमा ताके नेमिंग कहमा, ओडिया रे कहले नामकरण कहसन। तो वर्ल्ड जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो नेमिंग थीसी ताटे डिफरेंस थीसी पिले एज कंपेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो नोमेनक्लेचर टिके स्लाइटली डिफरेंस थीसी। एंड आमे जेंटा नोमेनक्लेचर पढ़ुचु हेटा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हला, मीन बायोलॉजिकली तांको नेमिंग करा हुचे। जेंदा किछि केमिकल्स थीसी तांकर कॉमन नेम थीसी, आईपीएससी नेम थीसी हला, तो हेंता बायोलॉजिकली हेंता तांको नोमेनक्लेचर पढ़मा पिले। तो नोमेनक्लेचर के मेनली जुड़े टाइप रे डिवाइड कराई है, अकॉर्डिंग टू देयर नेम, अकॉर्डिंग टू देयर नेम नोमेनक्लेचर के जुड़े टाइप रे डिवाइड कराई। गुटे वार्ड अच्छे वर्नाकुलर नेम एंड एनादर वार्ड दैट इज कॉल बायोलॉजिकल नेम। ये वार्ड टा तुम बुक रे नै नपिले बट एंट्रांस मानक प्रकाशित पिले व्हाट इज वर्नाकुलर नेम्स और तार रिलेटेड क्वेश्चन मान पचारे तुम बुक्स देखब वर्नाकुलर नेम रो किसी मीनिंग ही नै न। तो व्हाट इज वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम मीन्स लोकल नेम। लोकल नेम बोले लोकल लैंग्वेज किंबा कोई पार्मा मदर टंग किंबा आम लोकल एरिया रे जेंटा नेमिंग थिबा सेता के आमे कहमा वर्नाकुलर नेम। बट बायोलॉजिकल नेम बोले काना ताकि कह जाउछे साइंटिफिक नेम। गुटे प्लांट हो, गुटे एनिमल हो, गुटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, से बैक्टीरिया हो, फंगस हो, किछि भी हो पिले तांकर गुटे काना बायोलॉजिकल नेमिंग थिसी और साइंटिफिक नेमिंग थीसी हला, जेन थे कि आम साइंटिफिकली ता ना के धरिकर डाकसूँ हला। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तार नेमिंगटा बायोलॉजिकली करा जाएसी। तो जदि दुईजन भितर डिफरेंसिएशन देखमा मीन्स केनटा जह इम्पोर्टेन्ट है आ केनटा बहुत कही पार्मा इम्पोर्टेन्ट है बायोलॉजिकली बोले बायोलॉजिकल नेम हला। तो कण हेसी पिले और कही पार्मा व्हाट इज द नीड ऑफ टेक् कही पार्मा आम नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर दरकार कण है कण हेसी। सपोज साइंटिस्ट मैंने बहुत अच्छे हला, तो सपोज आम जब देखमा गोटे एग्जाम्पल दौचे साइंटिफिक नेम रो जनता पांथेरा टाइग्रिस। तुम्हें जेन छो पांथेरा टाइग्रिस हला, पांथेरा टाइग्रिस के एनिमल रो साइंटिफिक नेम है टाइगर रो है, टाइगर रो साइंटिफिक नेम होचे पांथेरा टाइग्रिस। तो कण हेसी वर्नाकुलर नेम बोले कण आम कॉमन लैंग्वेज रे ताके कण कहछु बाघ हला, हिंदी नु कहले शेर कहछु, बाघ भी कहसन किछि किछि एरिया नु। तो इटा होचे अमर कॉमन लैंग्वेज है इंडिया रो लैंग्वेज। तेलुगु नु आउ भी किछि कहुतिबे हला, तेलुगु रे अलगा, तमिल रे अलगा हला। तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज भेरी करूचे। तो वर्नाकुलर नेम जब खाली इंडिया रे देखमा बहुत टी ना, जदि टाइगर रो कथा कहछु हला, तो वर्ल्ड रे जदि देखमा आउ भी बहुत टी ना। चाइना रे अलगा कहुतिबे, श्रीलंका रे अलगा कहुतिबे, यूरोप रे अलगा कहुतिबे टाइगर के। तो वर्नाकुलर नेम और लोकल लैंग्वेज नेमटा मीन्स से एरिया रे कॉमन थीसी, से एरिया लगे कॉमन थीसी। बट साइंटिफिक नेम जदि जानमा जेंता कहली मुई पांथेरा टाइग्रिस, इट इज द साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर। तो ये नाटा तुम्हें जेन के भी जाओ, तुम्हें रूस जो, जर्मनी जो, जेन के भी जाओ, से नाटा जानबे फिले। बट यहाँ जदि कहमा से नाटा कहा के दरकार पड़वा, ओब्वियसली गोटे साइंटिस्ट के, बायोलॉजी स्टूडेंट के, जेन माने रिसर्च करी जिवे आके, से माने ही नाटा जानबे। यहाँ सपोज गोटे आई टी स्टूडेंट के पचराबो पांथेरा टाइग्रिस कण, हाँ से टेन्थ पढ़ी पिले से जानी। बट जदि प्लस टू प्लस थ्री गलापर भी जेन भी एनिमल मान बैक्टीरिया मान ना जदि कह इ कोलाई, एस्चेरेसिया कोलाई कौचु, तो इतार ना कण माने नहीं जानी पार। क्या है जे इजन साइंटिफिक नेम रो मेन काम हो जिते गोटे तुम्हें यूनिवर्सिटी जीव हला, आउट ऑफ सी कौच जेनता इंडिया बाहर ही करी जीव, तो से टाइम तुम दरकार पड़से। सपोज गोटे प्रोफेसर टे से मैंगो ना कहे कि टाइगर ना कहे, पांथेरा टाइग्रिस कहसन, सब बोले साइंटिफिक नेम मुहे मुहे थी। तो जिते बिल गोटे स्टूडेंट तांकर इंटेलेक्चुअल हे टाइगर, यहाँ सपोज मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम कहा रहे मैंगो रहे, आम रहे, जेना आम इनु आम कौचु, हिंदी नु आम कौचु, ओडिया नु आंबो कौचु, रूस जो हाड़े जो आम कहे,
मैंगो गे इंग्लीश रे मैंगो भी कहसन जेन माने बट मैंगो बोली मेंशन ना करा जाए काना कहबे मैंगिफेरा इंडिका बुझुचो ना। तो हेति लागि आंकु दरकार जदि व्हाट इज नीड ऑफ नोमेनक्लेचर कहमा नेसेसरी फॉर द रिसर्च एंड एक्स्ट्रा नॉलेज हला। तो ई जिनिसटा जानि थपिले नोमेनक्लेचर आउ नेमिंग रो काम का एगेन नोमेनक्लेचर के जुड़े टाइप रे डिवाइड कराई हला। नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग टू नेमिंग इटा हला अकॉर्डिंग टू नेमिंग ऑफ लोकल एंड साइंटिफिक नेम किंतु अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नेमिंग ताके जुड़े टाइप रे डिवाइड कराई। फास्ट आउचे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड अनदर वन सेकंड वन इनु लिखी दूचे पिले ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आमे ट्राइटा टिके पछे पड़मा बाइनोमियलटा सरला परे आमे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचरटा स्टार्ट करमा। तो व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देख पिले तुमको प्रिफिक्स बता ही थला सोर कर प्रिफिक्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इनु तीनटा वर्ड रे आइछे बाय रो मीनिंग काना टू टू नोमेल रो मीनिंग काना नेम हला आ नोमेनक्लेचर रो मीनिंग काना नेमिंग मींस टू नेम नेमिंग हला। तो कहि परमा टू नेम नेमिंग बले काना वर्ल्ड रो जते भी ऑर्गेनिज्म अछन लिविंग ऑर्गेनिज्म तांको जुड़े ना रे डिवाइड कराइछे मींस जेन भी एनिमल तांको जुड़े ना थिबा हला। तो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट कार्लोस लिनियस हु इज कार्लोस लिनियस द फादर ऑफ टेक्सोनोमी प्ले सोर कर मीन्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर तीन ही रो फादर किए कार्लोस लिनियस नाटा सोर कहते पिले हला। तो कार्लोस लिनियस स्टार्टेड नेमिंग एन एनिमल इन साइंटिफिक वे हला। तो कार्लोस लिनियस क्या कले जिते बेले एनिमल मान को देखले साइंटिफिक नेमिंगटा स्टार्ट करदे तो से केनता स्टार्ट कले देखमा सच टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर सच टाइप मीन्स क्या के कहे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कहा जाए सच टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ओनली टू नेम वेयर कंसीडर। तो कही पार्मा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जुड़े ना कंसीडर कराएसी जदि गोटे प्लांट हो एनिमल हो बैक्टीरिया हो फंगस हो किसी भी हो पिले जुड़े ना बाहरमा तो गोटे लोकाल नाम थी लोकाल नाम बोले काना वर्नाकुलर नेम्स आ गोटे थीसी साइंटिफिक नेम हला। तो वर्नाकुलर नेम जेन कौन लोकल नेम यहाँ हूँ वर्नाकुलर नेम बट दिज आर द साइंटिफिक नेम और कण कही पार्मा बाइनोमियल नेम। तो कहीचे देख ये पॉइंटा इंपोर्टेंट पिले द फास्ट नेम इज जेनेरिक नेम और नेम ऑफ द जेनस। तो फास्ट नाटा सपोज ये दुई भितर जेन देखमा फास्ट नाटा कह ना थी जेनस नाम थे और ताकि कही पार्मा जेनेरिक नेम थी निहाती पूरा 100% जानी तो पिली फास्ट नाटा काना थिबा जेनस नेम थिबा हला। एंड द सेकंड नेम इज स्पीसीज नेम आ सेकंड नाटा जेंटा थिबा सेटा होचे स्पीसीज नेम हला। तो इतार एग्जांपल जदि देखमा देखो मैं चारटा एग्जांपल दिछे जेंतरे कि फास्ट नाटा काना हेबा जेनस नेम और जेनेरिक नेम हेबा एंड सेकंड नाटा जेंटा होचे हटा स्पीसीज नेम हेबा। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो जुड़े ना मिसी करी बाइनोमियल नेम होउचे और तार साइंटिफिक नेम होउचे जंदा इनु कहला पांथेरा टाइग्रिस हला। नेक्स्ट हला पांथेरा लियो नेक्स्ट हला मेंगिफेरा इंडिका होमो सापियंस हला। तो इमानकर जदि कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम देखमी लियोटाका लायन रो होमो सापियंस का ह्यूमन रो आए कि ना। तो एंता भरी चपिले नुआ नुआ स्पीसीज जिते भी अच्छे काना कॉमन नेम अच्छे एंड काना साइंटिफिक नेम और बाइनोमियल नेम अच्छे पिले ये जिनिसटा सोर करबो। तो चैप्टर सरला पर मुझे बहुत एग्जांपल टे देमी मीन्स कही पार्मा डोमेस्टिक एनिमल हला वाइल्ड एनिमल हला किसी प्लांट मानकर भी एग्जांपल देमी जहाँ साइंटिफिक नेम तुम जानी थबार कथा हला। तो जिते भी एनिमल अच्छा पिले इन जुड़े नेमिंग रे डिवाइड कराला फर्स्ट थे कहचे फर्स्ट नेम टा कहा रे जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम टा कहा रे स्पीसीज नेम सबू केस रे एंता ना कि एक्सेप्शनल केस रे एंता किसी ना वर्ल्ड रो जिते भी एनिमल देखबो जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखबो फर्स्ट नेम टा जेनस नेम सेकेंड नेम टा स्पीसीज नेम जेंदा कही पार्मा आमर भी ना माने थीसी आमर माने ना लिखाई थीसी ना मीन सोशियली ना माने लिखाई थीसी जेंदा कही पार्मा राहुल शर्मा जुड़े ना हेला हला। तापर कर्मा पूजा अग्रवाल किसी भी ना माने अच्छे पिले।
तो जुड़े ना अच्छे गोटे नेम थी गोटे सरनेम थी बिले है तो यहाँ हूँ बैनोमेन नोमेन क्लेच जुड़े ना सरी जाऊे तार अर्थात तो एंता नेमिंग थी तो इनु काण हूँ बायोलोजिकाली फास्ट नेमटा जेनेरिक नेम एंड सेकेंड वन द स्पेसीफिक नेम। नेक्स्ट स्टार्ट करमा आम ट्राएनोमेन नोमेन क्लेचर है तो टिके देखी दियो तो नेक्स्ट देखमा पिले गोटे गला बायनोमियल नोमेन क्लेचर सेकेंडटा हूँ ट्राइनोमियल नोमेन क्लेचर ता ना कौच देख ट्राई ट्राई मीन्स कण थ्री तो ओब्वियसली तुम्हें जान पकाल ट्रिक्स टी मिली जाइवा तो ये नेमिंगटा तीन टा ना थी और तीन टा ना डिवाइड कराई तार अर्थात तो कण थार्ड नंबरटा नेमिंग आस देखमा तो कही देख ए स्पीसीज इज डिवाइडेड इंटू सब स्पीसीज मुझे कही कि ना देख लास्ट क्लास रे पढ़ाई थला जेते बेले सिस्टमेटिक हायरार्की विषय रे पढ़ाई थला स्पीसीज किसी स्पीसीज थीसन है पॉलीटेनिक टाइप ऑफ स्पीसीज थीसन जेनु की स्पीसीज भी अगेन डिवाइड ही पार्सी है स्पीसीज भी अगेन डिवाइड ही कण ही पार्सी सब स्पीसीज ही पार्सी बिले है सब स्पीसीज रे देखा ना जाए सब एनिमल रे किंबा प्लांट रे देखा ना जाए है किछिटा अछन तांकर केस रे देखा जायसी है तो कण कहला स्पीसीजटा एगेन डिवाइड कर सब स्पीसीज है तो कहमा द नेम ऑफ द सब स्पीसीज विल बी रिटेन आफ्टर स्पीसीज तो जेन ट्राइनोमियल नोमेन क्लेचर है याडे देख जेन तीन टा ना हेबा फास्ट नेम सेकेंड थर्ड नेम तो इनु जेनस नेम रहा इनु स्पीसीज नेम रहा स्पीसीज पर कण रहा सब स्पीसीज नेम रहा इटा टे ध्यान दे थो पिले तो जेनस स्पीसीज थर्ड वन इज द सब स्पीसीज तो थर्ड टा जेन और लास्ट टा जेनटा रोचे एटा सब स्पीसीज रहबा हला जेनस पर स्पीसीज देन सब स्पीसीज बायनोमियल रे केनता होतला जेनस नेम फास्ट होतला तापरे स्पीसीज नेम तापरे सॉरी जेउतला बायनोमियल रे बट इन केस ऑफ ट्राइनोमियल देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेमिंग फास्ट इज जेनस देन स्पीसीज देन सब स्पीसीज हला तापरे कोइछ देखो द से साइंटिफिक नेम इज रिटेन विथ थ्री नेम्स देट इज ट्राइनोमेन नोमेनक्लेचर तो इनु कण है तीन टा ना लिखा है तो कही पार्मा किसी स्पीसीज अच्छा एंता ना कि वर्ल्ड सब स्पीसीज लिखी हेबा जेन आम गोटे एक्जामपल देचे क्रो काउर देचे एलिफेन्ट रो भी बतेली है आउ भी बहुत एनिमल अच्छा केस कण हेसी ट्राइनोमेन नोमेनक्लेचर देखवार के मिलसी तो जदि कंपेयर करमा बायनोमेल आउ ट्राइनोमेल कहार जह नंबर अच्छे जान बायनोमेलटा जह थी है वर्ल्ड जिते भी एनिमल अच्छा बायनोमेन नोमेन क्लेचर 98% अच्छा बाकी जिन 2% अच्छा हेटा हूँ तुम ट्राइनोमेन नोमेन क्लेचर बहुत कम है खाली अच्छे जानी थवर कथा तो एनिमल सरी देखमा गोटे एग्जाम्पल है तो गोटे क्रो नेली एग्जाम्पल पिले है एग्जाम्पल के देख वी तीन टा डिफरेन्ट टाइप अफ क्रो नेली गोटे इंडियन क्रो गोटे बर्मेस क्रो आ गोटे हूँ श्रीलंकन क्रो तो इंडियन ना कौच इंडिया क्रो बर्मेस बोले बर्मा ना सुनी बर्मार क्रो आ थार्डटा हूँ तुम श्रीलंकार क्रो तो तीन जेन अच्छा लोकेशन अच्छे एरिया अच्छे से तीन क्रो रो मोर्फोलोजिकल डिफरेंस देखवार के मिलवा है आमर इंडियन क्रो सपोज सपोज ब्लैकिश ही थीसन बट श्रीलंकन क्रो पूरा ब्लैक थीसन पिले आर सैजटा इंडियन क्रो नु टे लार्ज थीसी इटा डिफरेन्स है बर्मेस क्रोटा बहुत छोट थीसन तांकर कलर भी ब्लैक थीसी बट तांकर जेन साउटिंग और चिल्लासन जेन का का कर साउटिंग करसन सेटा जोर से करी पारसन तो एंता डिफरेंस अच्छे मोर्फोलोजिकल डिफरेंस हैला तो से हिसाब रे तांकु काना सब स्पीसीज हिसाब रे डिवाइड कराला तो फास्ट आ उचे जेनस इटा जेनस जेते भी अच्छे सेकेंड नेमिंग इज स्पीसीज एंड थर्ड वन इज द सब स्पीसीज हैला तो इनु जानी पकुच इनु जेन जेते भी वार्डिंग अच्छे एटा सब सब स्पीसीज लागे तो जदि जने लेखिदेला है कोर्वस स्पेलेंडेन्स इटा ता साइंटिफिक नेम कोर्वस स्पेलेंडेन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो ठीक अच्छे एंता लिखले भी मार्क ना कटे पिली बट सपोज जने लिखिदेला व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ श्रीलंकन क्रो तो तुम्हें जदि खाली कोर्वस स्पेलेंडेन्स एग्जाम लिखीच भूल हीजा कहले जे श्रीलंकन क्रो रो ना अच्छे एंता प्रोटेगेटस है तार ना कण प्रोटेगेटस तो तुमको मेनसन करवार पड़वा कोर्वस स्पेलेंडेन्स प्रोटेगेटस ना रखिले मार्क कटेजी बाबिले हेन्ता बर्मेस के जो मेनसन करचे अगेन कण कोर्वस
एंड स्पेलेंडेंस इंसोलेंस नाटा मेंशन करब इंडेंट अच्छे कर्बस स्पेलेंडेंस स्पेलेंडेंस दुई तो रिपीट हो एंता पिले रिपीट भी हेसी पिले गोटे गोटे केस जेनस आ स्पीसी सेम भी थीसी जेनता आम कहमा रेट मूसार साइंटिफिक नेम रेटस रेटस है तो हेन्ता नाक्सांप्र जदि देखमा गोटे देखमा नाजा नाजा है जेनस आ स्पीसी नेम सेम भी थीसी गोटे गोटे केस तो हेन्ता सेम भी रही पार्बा पिले इटा साइंटिफिकाली से माने आगरु नेमिंगटा कराई पिले तो यहाँ जान लो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आउ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर केनता हेसी तो नेक्स्ट आम पढ़मा रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर जेनटा कि इम्पोर्टेन्ट है फिलिम तो देख तुम्हें कहत ना सार सोर्ट नोट के बा इ चैप्टर में गोटे इम्पोर्टेन्ट सोर्ट नोट अच्छे से नोमेनक्लेचर सोर कर फिलिम आउ कहीटा पचे ना पढ़ू कि ना पढ़ू नोमेनक्लेचरटा बहुत इम्पोर्टेन्ट केन पॉइंट ऑफ व्यू रे सोर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू रे जानी थोड़ा फिलिम तो आम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विषय जानमा ट्राइनोमियल जानला तापरे जानमा आम कण रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर जदि गोटे नेमिंगटे लिखुच साइंटिफिक नेम तुम कॉपी रे हला पेपर रे लिखुच काना ता रूल्स है जदि किछि भी तुम मिस्टेक कर दे कि मार्क कटि जवा पिले हला इटा बहुत इंपोर्टेंट है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हला तो टिके देखि दो इटा तो पिले देखमा याने रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर बुक रे 12टा 10 12टा रे दे दीछि हला तो मेनटा इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट केनटा जितेबले गोटे नोमेनक्लेचर मुझे ये पार्टा बतेदेमी बाकी पार्टा बुक्रे पढ़ कि आम ऑनलाइन डिस्कशन करमा है तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर रे फास्ट जुड़े देखमा जेनटा कि वन मार्क क्वेश्चन पढ़सी है फुल फॉर्म जेन कोई पार्मा एब्रिविएशन और फुल फॉर्म पढ़सी आई सी जेड एन आर आई सी बी एन काण है जे देखमा तो आई सी जेड एन हूचे इंटरनेशनल कमिशन ऑफ जूलोजिकल नोमेनक्लेचर है रेड पेन रे देख मार्किंग कर दीचे मुई नेक्स्ट हूचे आई सी बी एन इंटरनेशनल कमिशन ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर तो जुड़े ना थी चेंज ना देख नु जेड थी चेंज है आई नु बी थी जेड फॉर जूलोजी और जूलोजिकल बी फॉर बोटानिकल है तो ना टे देख तो कण यहाँ जदि देखमा जुड़े बुक अच्छे है बुक कोई पार्मा जेनता कि वर्ल्ड जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा प्लांट लगी और एनिमल लगी जुड़े बुक अच्छे बाबू तुमको बुझा लगी मुझे बुक कौचे पिले है तुम्हें बुझ खाली तो से बुक रे कण हैसी वर्ल्ड जिते भी एनिमल अच्छा इनसेक्ट नु नहीं स्नेक्स नु नहीं एम्फीबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स मामल है कण अच्छे सब एनिमल्स मान कण करा नेमिंग थी हला मीन जेनस आ स्पीसी सबुतिर नेमिंग थिबा पिले हला तो हेनु कहा जाउचे इंटरनेशनल कमिशन ऑफ जूलोजिकल नोमेनक्लेचर जूलोजी रो नोमेनक्लेचर हेनु थिबा से बुक रे बढ़िया टे बुक थिबा आर गुटे बुक ना थे तार ब्रांचेस ऑफ बुक थी 10 12 टा बुक थी हला जानी तो हेनु काना करमा एनिमल्स मानकर डिटेल्स थिबा नोमेनक्लेचर रो तार परे हला बोटानिकल नोमेनक्लेचर रे प्लांट मानकर जिते भी स्पीसीज अछि सब स्पीसीज अछि जेनस सब किछि प्लांट मान नोमेनक्लेचर लगी से बुक रे थिबा तो ये जुड़े बुक कोई पार्मा और जुड़े कण करमा कमिशन कोई पार्मा जिनथरे कि प्लांट्स लगी अलग आर एनिमल्स लगी अलग नोमेनक्लेचर कराई पिले प्लांट स्पीसीज मैंने अलग नु देखबार के मिलवा एनिमल स्पीसीज अलग नु देखबार के मिलवा तो ये जिन नोमेनक्लेचर कराई बुक मूँ एक्सटर्नाल फीचर देखा जाएसी मोर्फोलोजी देखा जाएसी जेनता मुझे तुमको कही गोटे मामाल स्तन्यप्राय प्राणी सपोज कह तो ताकर सुंड सुंड अच्छे तांकर बड़ बड़ कान अच्छे तांकर बॉडी बहुत बड़ है तार छोटे टेल अच्छे जदि एंता कहमा जुड़े टीथ अच्छे टस्क अच्छे कौचु तो इमाजिन करदेव से हाथी है बोली बट से जगानु से बुक रे तार एक्सटर्नल मोर्फोलोजी एंता हिसाब से थी आट लास्ट के तार नोमेनक्लेचर लिखाई थी एलिफस मैक्सिमस एलिफेंट साइंटिफिक नेम तो हिसाब से सेनु मेंशन कराई गोटे प्लांट के भी जो चिन्ह तार लिवस चिन्ह तार फ्लावर चिन्ह हला फ्लावर चिन्हला पर स्टेम केन्ता थीसी से प्लांटा हर्प है सर्प है कि गोटे प्लांट है सॉरी गोटे ट्री है हर्प बेले छोट गछ है सर्प बेले टानु टिके बड़ गछ आ ट्री बेले बढ़े गछ के कहा जाए केनटा जे जानबो तो एंता बहुत इनफॉर्मेशन से कमिशन रे दिया हिचे बोटनी लागि अलग जूलोजी लागि अलग तो तार कोई पारमा तार फुल फॉर्मटा पड़ी आसी फिले है आई सी जेड एन रुल फॉर्म आई सी बी एन रुल फॉर्म सोर कहते नाटा टिके तो आसी जाऊ आम नोमेनक्लेचर निके
तो नोमेनक्लेचर तीन टा पॉइंट ही है बारटा पॉइंट अच्छे पिले सब सोर करबार कथा बट ये तीन टा पॉइंट इम्पोर्टेन्ट है क्या कहमी जदि सोट नोट्रे पढ़ला पिले रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर कि सोट नोट तो मोर फॉर्मेट कण बतई दूचे सी एच एस सी रोट नोटा 2.5 मार्क पड़सी 2.5 मार्क आ क्वेश्चन मेनसन थी राइट इन थ्री सेंटेंस तीन टा सेंटेंस लेख कही थी तो बारटा पॉइंट अच्छे तीन टा सेंटेंस बोले क्या लिखमा जेनटा इंपोर्टेंट है लिखमा आर गोटे एग्जाम्पल देदेमा बोले फुल मार्क मिलवा ता बोली तीन टा सेंटेंस लिखाई आम बारटा पॉइंट लिखमा रंग हो जा टाइम ना पूरे फास्ट कथा तापर से एक्सटर्नाल भी तीन टा पॉइंट ही सुधवा चार्टा भी हेले एक्सेप्ट करसन पहले चार्टा हो कि पाँचटा भी एक्सेप्ट करूँ बाकीटा तो एक्सेप्ट ना करे ना तो हेति लगे मैं क्या कहे मुझे तीन टा इंपोर्टेंट पॉइंट दे दीछे जेनटा कि नेसेसरी है गोटे नोमेनक्लेचर चिन्हवार लगी पिले तो फास्ट है देख रूल्स कण है नोमेनक्लेचर करवा लगी गोटे साइंटिफिक नेम रो नेमिंग करवा लगी कण फास्ट रूल देख द फास्ट लेटर ऑफ जेनस मस्ट बिगेन विथ कैपिटल मस्ट बिगेन विथ कैपिटल लेटर एंड द स्पीसीज विथ स्मॉल लेटर है तो कण कहे देख जेन भी वर्ल्ड जेन भी तुम बायोलॉजिकल नेमिंग करुच फास्ट इटा जेनस है तो जेनस फास्ट लेटरटा सब बेले कण है गोटे कैपिटल लेटर रहा है आ स्पेसीसटा सब अल क्या लेटर रहा सब स्मल रहा इटा रूल्स है फिर थे कौच देख जेनस फास्ट लेटरटा कैपिटल है बाकी सब स्मल है स्पीसीसटा सब स्मल है जेनता आ गोटे मुझे एग्जाम्पलटे दूचे जेनटा कि आम कहला पांथेरा पी के देख कैपिटल कल पांथेरा टाइग्रीस देख स्मल लिखली टाइग्रीस बुझुच कि ना पीटा कैपिटल बाकीटा स्मल जेनोसरी इन केस ऑफ स्पीसीज ऑल स्मल तो हेटा कहला पिले है तो फास्ट लेटर ऑफ जेनस मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज विथ ए स्मल लेटर सब फास्ट नु स्मल बोले बाकी भी स्मल इटा फास्ट रूल्स है ठीक अच्छे देन कण कहला देख द साइंटिफिक नेम मस्ट बी रिटेन इन इटालिक विथ द नेम ऑफ द ऑथर एंड ईयर हला तो नेक्स्ट देख से कण कहला हाँ तो कण कहला देख साइंटिफिक नेम जेन लिखला जेनता कि इनु होमोसापियंस लिखाई होमोसापियंस लिखाई मस्ट बी रिटेन इन इटालिक तो इटालिक तुम्हें लिखने जान इटालिक के जस्ट टी कर्व करके लिखाई देख नॉर्मल आम होमोसापियंस एंता लिखमा हला कि मुझे जस्ट इटालिक करमी बोले तुम जेन टे मीन टे कण हाँ टर्न हो जा कर्व हो जा लाइक दिस दिस इज कॉल्ड इटालिक होमो टे टेढ़ा है कि ना टे तो यहाँ वन टाइप मुई भी लिखी ना जानवा पीले जस्ट जदि देखमा होमो सापियंस हला तो जस्ट इटालिक रे लिखा जाए तापर कण कही तारे ऑथर ना लिखा जावा मीन जे ये नाटा देचे जेनता इनु मेनसन है लिनियस एन ईयर तार ईयरटा भी बताइए तो प्लस टू लेवल रे खाली नाट लिखिदेल है जेनता होमो सापियंस लिखिले बहुत टे इनु तुम्हें नेमिंग है जे लिखी ऑथर ना ईयर ना ना लिखले भी चलवा प्लस टू लेवल रे तो इनु जस्ट तुम्हें ब्रेकेट रे एल टे लिखिदेले भी चलवा एल फॉर लिनियस एतक लिखले भी चलवा पिले कहीं मार्क काटि ना पार एंता नहीं कि सब ईयर तुम्हें सोर करदेव जिते बिल आम स्टाणार्ड बढ़सी पिले प्लस थ्री पी जी किंवा जेन माने रिसर्च करुचन से मानको पूरा नेमिंग लिखबार के पड़स जेन माने इकोलोजी रे तांको रिसर्च करसन से माने करसन पिले बट तुम्हें क्या करबो ओनली इटालिक रे लिखबा लागि चेष्टा करबो पिले तो सेकेंड रूल जान लो मोस्ट बी लेट इटालिक एंड नेम ऑफ द ऑथर एंड द ईयर्स तो इटा ने लिखले भी जस्ट इटालिक रे लिखि देले भी हेबा पिले हला थर्ड पॉइंट कण कहे देख थर्ड पॉइंट कण कहे अंडरलाइंड बोथ जेनस एंड द स्पीसीज नेम तो जेन मुझे होमो सापियंस लिखली देख फे तो लिखुचे होमो सापियंस जेन लिखली दुहटा के अंडरलाइन करवार पड़वा होमो के आ सापियंस के हला मीन्स ये अंडरलाइन ना करते मोर कथा कहते देख जिते बे प्लस टू पढ़ू थी पिले है तो मुई क्या कैर होमो सापियंस कि जेनस स्पीसीज नेम लिखिदे गोटे जिनस भूली जाए अंडरलाइन करवाटा पूरा जीरो दे दिखन
आम जे टीचर जेन सर माने थिले लेक्चर माने थिले पूरा जीरो दे दियन। अंडरलाइन मस्ट बी नेसेसरी कहला जे बुक मांगो काना से इटालिक रे लिखाई जैसे बेले से जगानु मेंशन करी छे अंडरलाइन ने देले भी चलवा। जदी तमे इटालिक रे लिखु छ कहला जे जते बेले आमे टाइपिंग करसू इटालिक फॉर्मेट रे हि गले हेनु अंडरलाइन ने कोले भी हसी। तमर बुक्स मांगो देखबो जते भी साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करा ना हुए बट तमे जते बेले तमर कॉपी रे लिखु छ अंडरलाइन करबाटा नेसेसरी है। बट बुक मांगो एबे जे न्यू फॉर्मेट बुक बाहरी छे हेनु मेंशन ने करी कि अंडरलाइन करबो बोली करी हला पॉइंट जन 12टा पॉइंट दे छे नु मेंशन ना करी अंडरलाइन करबो बोली करी बट तमे करबो फिर जेनस आ स्पीशीज नेम के मस्ट बी अंडरलाइन। इटा गला बायनोमियल नोमेनक्लेचर हला जदि ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर देखमा सेम जिनिस हबा। जदि देखमा एलिफेंट लिखु छे एलिफास मैक्सिमस सॉरी मैक्सिमस हला इंडिका देखमा किबा अफ्रीकाना लिखली अफ्रीकाना तो अंडरलाइन करमा जेनस स्पीसीज सब स्पीसीज यहाँ ने देख सब स्पीसीज के कहले जे आमे जेनस आ स्पीसीज रो रूल्स जानी पकेचु बट सब स्पीसीज अफ्रीका गुटे ना है इंग्लिश हिसाब रे एटा कैपिटल हेबार कथा बट सब स्पीसीज हिसाब रे इटा काना हेबा स्मॉल लेटर रे हेबा पले हला इटा भी काना हेबा अफ्रीकाना हला मींस से एलिफेंटा अफ्रीकन एलिफेंट है हेतिले तार के काना कहला सब स्पीसीज का अफ्रीकाना। जदि कहे तो एलिफस मैक्सिमस मैक्सिमस एटा इंडिया रो स्पीसीज एलिफस मैक्सिमस गुटे थीसी काना अफ्रीकाना गुटे अमेरिकाना एंता नाम माने थीसी पिले कंट्री हिसाब रे हला ध्यान देउतबो पिले तो एलिफस मैक्सिमस अफ्रीकाना इटा अफ्रीकन हला अफ्रीकन एलिफेंट रो साइंटिफिक नेम है जेनता कि ट्राइनोमेन नोमेनक्लेचर भी एंता अंडरलाइन करबो लैटिन रे लिखबो जेनस रो फास्ट लिटरल कैपिटल बाकी सब स्मॉल स्पीसीज रो सब स्मॉल एंड सब स्पीसीज रो भी ऑल आर रिटेन इन स्मॉल लेटर हला इटा होचे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो फास्ट काना पोलना व्हाट इज नोमेनक्लेचर व्हाट इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर देन टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर वर्नाकुलर एंड लोकल नोमेनक्लेचर एंड देन बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर तापरे पढ़ना आम रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर जेनतरी कि आम फास्ट जानना से बुक्स विषय और कमिशन विषय ICJN ICBN तापरे इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हला 12टा देचे बट जेनटा इम्पोर्टेंट है सेटा के बताई छे पले। तो तुम्हें भी जिते बेले फ्यूचर रे भी प्राक्टिकल कर हला किमा किछि भी कर तुम नोमेन जिते बेले साइंटिफिक नेम लिखुच अंडरलाइन किंबा लैटिन किंबा ई भूलटा ना करब कैपिटल ना लिखिकर गुटे गुटे होमो सापियंस एंता लिखि देसन होमो सापियंस रंग ही जीवा पूरा फास्ट नु से तुम स्मॉल लेटर लिखि देच रंग जीरो मार्क जानते भी जीरो मार्क स्पेलिंग ठीक थे भी जीरो मार्क तार रूल्स अच्छे तार फर्माट अच्छे फिले साइंटिफिक नेम रहा ध्यान देव पे हला। तो जान लो होमो सापियंस देख एसटा कैपिटल इटालिक अंडरलाइन सापियंसटा एसटा स्मॉल ऑल आर स्मॉल्स एंड अंडरलाइन आ ये जिनिसटा मीन्स ऑथर नेम एंड ईयर इटा देले हेबा किंबा ना देले भी हेबा प्लस टू लेवल धरा नहीं जाए किंतु इटा धरा जीवा तुम हला तुम्हें चाहब लिनियस रो पूरा ना ना लिखी करी ब्रेकेट रे एल दे देले हेइ जीवा हला मार्क ना कते हेइ जीवा एल आर मैक्सिमम जिते भी नोमेनक्लेचर लिनियस ही करी ना। तो तुम्हें ये देख एलिफस मैक्सिमस इंडिकाना किंबा अफ्रीकाना रे मुई एल लिखिदेली सैट बोले जना पड़ जावा जने इटा कार्लोस लिनियस ही नोमेनक्लेचर करी छन हला। तो ये फॉर्मेट टिके सोर करबो पिले तो इटा पिले सब ध्यान से देखि देबो। नेक्स्ट क्लास आमे का करमा मीन्स लास्ट पार्ट जेनटा अछि चैप्टर टूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हला जेनतरे कि हार्बारियम म्यूजियम बोटानिकल गार्डन हला। तो तार विषय आम डिटेल्स इनफर्मेसन नमा आ तारे कि एग्जाम्पल देकर आम चैप्टरटा कम्प्लीट करमा। तो ये सोर्ट नोट हिसाब से चैप्टर रो जदि देखमा गुटे ही अच्छे सब सोर्ट नोट जेनटा कि इम्पोर्टेन्ट है पिले हला। आर नेमिंग रो रूल्स भी केते बेले ब्रांच हिसाब से पकई पार्सी तो नोमेनक्लेचर पढ़ला बेले ये रूल्सटा सब लिखब बायनोमियल ट्राइनोमियल काना जस्ट मेंशन कर देबो आ रूल्सटा लिखब पिले हला। तो इतार परे परे आमे पढ़मा काना टेक्सोनोमी रो काना मीन्स मोलिकुलार एड्स हला मोलिकुलार एड माने काना सेटा माने देखमा हला। ठीक अच्छे थैंक यू।